जय हिंद। यह वीडियो लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड से संबंधित है। कृपया आप इस वीडियो को पूरा गंभीरता से देखिए। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। सबसे पहले ग्रंथपरक अभिलेख होता क्या है? तो किसी प्रलेख के ग्रंथात्मक वर्णन अभिलेखन की ऐसी प्रक्रिया है जो इसका संक्षिप्त रूप प्रदान करती है, अर्थात उसी को हम खोज सूची भी कहते हैं। तो ग्रंथपरक अभिलेख जो होता है, यह एक खोज सूची होता है। ग्रंथपरक अभिलेख का प्रयोग मूल पाठ से प्रलेख की जोड़ने की क्रिया जैसे ग्रंथपरक संदर्भ या उद्धरण से होता है। ग्रंथपरक अभिलेख अनेक डेटा अवयवों से मिलकर बनता है। अब ग्रंथपरक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा गया है, मैं उसका संग्रह किया हूँ। आप इस पूरे प्रश्न को देखिए, यदि आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो कृपया कर आप कमेंट में अवश्य लिखिए और मैं आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। सबसे पहला प्रश्न है, ग्रंथपरक अभिलेखों हेतु सार्वभौमिक विनिमय प्रारूप के रूप में कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट CCF विकसित किसने और कब किया? तो यह यूनेस्को के द्वारा किया गया था। और मोनोग्राफ तथा क्रमिक पत्रिका प्रकाशन हेतु यूनिमार्क कब विकसित किया गया? तो 1977 ईस्वी में यह विकसित किया गया था। इफला IFLA का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, इफला का पूरा नाम। तो इफला का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स किसके सामूहिक प्रयास से प्रकाशित किया गया? तो यह 1977 ईस्वी में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लाइब्रेरी एसोसिएशन ग्रेट ब्रिटेन तथा कनाडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये तीनों एसोसिएशन के द्वारा एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स जो है 1977 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। इसमें कौन कौन शामिल है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लाइब्रेरी एसोसिएशन ग्रेट ब्रिटेन तथा कनाडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इन्हें के सामूहिक प्रयास से एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स जो है 1977 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। सूचीकरण सिद्धांतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? इफला के द्वारा। कब? 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकृत ग्रंथ परख विवरण का प्रकाशन कब किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकृत ग्रंथ परख विवरण का प्रकाशन कब किया गया? तो यह 1974 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफला का मुख्यालय कहाँ है? ये भी बहुत ही VVI क्वेश्चंस हैं, कई बार पूछा गया है अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में। इफला का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड में है, द रॉयल लाइब्रेरी हेग। ये कहाँ पड़ता है? तो नीदरलैंड में। इफला किसका एक भाग है? तो इफला जो है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द ब्लू शेड्स ICBS का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द ब्लू शेड्स का क्या कार्य है? तो विश्व की सांस्कृतिक विरासतों को युद्ध एवं प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करने का यह कार्य करती है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द ब्लू शेड्स का क्या कार्य है?
विश्व की जितने भी सांस्कृतिक विरासत है उसको युद्ध एवं प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करती है। अगर युद्ध होगा भी तो इस धरोहर पर, इस विरासत पर यह उसको बचाने का कोशिश रहता है, इस पर कोई भी अटैक नहीं करता है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ है? ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस किसका प्राचीनतम संघीय सांस्कृतिक संस्थान है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका। सीसीएफ का पूरा नाम क्या है? सीसीएफ का पूरा नाम कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट होता है। कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट का प्रथम संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1984 ईस्वी में। कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट सीसीएफ का अंतिम कैरेक्टर क्या होता है? यह रिकॉर्ड सेपरेटर होता है। कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट सीसीएफ की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट सीसीएफ की विशेषताएं निम्न है। सबसे पहला है, इसे सूची पत्रकों के उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि इसमें सभी आवश्यक डेटा तत्वों को शामिल किया गया है। और दूसरा है, यह उपयोगिता मैत्रीपूर्ण होता है बजाय सूचीकरण मैत्रीपूर्ण के, क्योंकि इसमें प्रसूचीकरण नियमों को लादा नहीं जा सकता है। और तीसरा जो है, यूएएन संगठनों तथा अंतर्राष्ट्रीय निकायों में प्रचलित प्रारूप होता है। कई विकासशील देशों द्वारा मशीन पठनीय ग्रंथपरक रूप में ग्रंथपरक अभिलेखों के तैयार करने हेतु अपनाया जाता है। और चौथा जो है, यह मुख्य डेटा अवयव प्रदान करता है तथा इसमें वैकल्पिक एवं निजी क्षेत्रों के लिए प्रावधान है। यह निजी क्षेत्रों के लिए कोई व्यापक सूची प्रदान नहीं करता है जो किसी संस्था को महत्वपूर्ण समझे जाने वाली अमानकीय अवयवों को सम्मिलित करने योग्य बनता है। और पांचवा है, यह विभिन्न प्रारूपों, लिंक रिकॉर्ड तथा अभिलेखों के परिखंडों के मध्य सुसंगत है। इस प्रकार का यह ग्रंथालय के समूहों तथा सारकरण एवं अनुकरणीयकरण सेवाओं में डेटा के तीव्र विनिमय में मदद करता है। नेक्स्ट है, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट सीसीएफ की अभिलेख संरचना किसके कार्यान्वयन है? यह आईएसओ 2709 है। नेक्स्ट, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट सीसीएफ के कितने भाग हैं? ये भी बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, वीवीआई है। या कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट के जो है 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है रिकॉर्ड लेवल, जिसे अभिलेख पट्टी कहते हैं। दूसरा होता है डायरेक्टरी, जिसे निर्देशिका कहते हैं। तीसरा होता है डेटा फील्ड, जिसे डेटा क्षेत्र कहते हैं। चौथा होता है फील्ड सेपरेटर, जिसे क्षेत्र पृथककर्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी रिकॉर्ड लेवल कितने कैरेक्टर का होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइब्रेरी रिकॉर्ड लेवल जो होता है 24 कैरेक्टर का होता है। लाइब्रेरी डायरेक्टरी में कितने कैरेक्टर होते हैं? तो डायरेक्टरी में 14 होते हैं और रिकॉर्ड लेवल में कितने होते हैं? 24 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी डायरेक्टरी के कितने भाग होते हैं? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो लाइब्रेरी डायरेक्टरी के 5 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है टैग, दूसरा होता है फील्ड की लंबाई, तीसरा कैरेक्टर, चौथा स्थान की पहल और पांचवा होता है सेगमेंट अभिज्ञानकर्ता तथा अकरेंस अभिज्ञानकर्ता। तो क्या देखे, लाइब्रेरी डायरेक्टरी के कितने भाग होते हैं? तो ये 5 पार्ट्स
पार्ट्स होते हैं। टैग फील्ड की लंबाई, कैरेक्टर स्थान की पहल एवं सेगमेंट अभिज्ञान करता तथा अकरेंस अभिज्ञान करता। नेक्स्ट है, यूके के मार्क फॉर्मेट का विकास किस वर्ष किया गया? 1975 ईस्वी में। सहायक थिसोरस किससे संबंधित है? पक्ष विशेष से। थिसोरोफेसिट क्या है? यह पक्षात्मक वर्गीकरण तथा थिसोरस दोनों के संयुक्त प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में थिसोरस की अवधारणा कब आई थी? 1950 के दशक में। थिसोरस शब्द का प्रथम प्रयोग कब किया गया था? 1975 में। यह केवीएस तथा एनवीएस में पूछा गया प्रश्न है। थिसोरस शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यह एक ग्रीक भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्याय कोष अर्थात थिसोरस शब्द का अभिप्राय किससे है? शब्दों का भंडार कोष अथवा संग्रह से। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार थिसोरस शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो 1565 ईस्वी में ही किया गया था। थिसोरस शब्द का प्रथम प्रयोग किसने और कब किया? तो थिसोरस शब्द का प्रथम प्रयोग पीटर मार्क रोजेट ने 1852 ईस्वी में किया था। यह भी जो है वीवीआई है या एनवीएस में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिसोरस के क्या क्या कार्य हैं? तो थिसोरस के निम्नलिखित कार्य हैं। सबसे फर्स्ट है, यह ज्ञान के क्षेत्र का मानचित्र प्रदान करता है जिसमें एक विचार किस प्रकार दूसरे विचार से संबंधित है को प्रकट करता है। अर्थात जो अनुकरणीकरण या खोजकर्ता को विषय क्षेत्र की संरचना समझाने में मदद करता है। एवं सेकंड है, यह पाठकों को निर्देश देता है कि विषय खोज के लिए इस मद को चुने। एवं थर्ड है, यह एक दिए गए क्षेत्र हेतु मानवीय शब्दावली प्रदान करती है जो एक अनुकरणीकार को सूचना संग्रहण तथा पुनर्प्राप्ति प्रणाली हेतु अनुकरणिका संबंध बनाते समय सुसंगत रखने में मदद करता है। एवं फोर्थ है, यह संबंधों की प्रदत्त व्यवस्था में निहित अवधारणाओं में नई अवधारणाओं को ढूंढने में इस प्रकार सहायता करता है जिसमें पंथों की सुविधा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटरीकृत थिसोरस की रचना कब और कब से प्रचलित हुई? यह 1980 के दशक से प्रचलित है। पुस्तकालय एवं सूचना के क्षेत्र में थिसोरस शब्द की अवधारणा कब से प्रचलित है? तो यह 1950 से प्रचलित है। नेक्स्ट है, सूचना पुनर्प्राप्ति हेतु थिसोरस शब्द का प्रथम प्रयोग किसने और कब किया? तो हेलेन ब्रॉनसन ने 1975 ईस्वी को आयोजित टी डार्किंग सम्मेलन में किया गया। नेक्स्ट है, पर्याय कोष थिसोरस शब्द को किस दूसरा नाम से भी जाना जाता है? पर्याय कोष, इसी को इंग्लिश में थिसोरस कहते हैं, शब्द को किस दूसरा नाम से भी जाना जाता है? तो यह जो है विशिष्ट शब्द सूची के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्शनरी ऑफ नेशनल एंड नोटेशन फैमिली टीज के लेखक कौन है? एपी लुहान। कौन है? एपी लुहान। नेक्स्ट है, सूचीकरण विशेषज्ञों का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो यह 1969 ईस्वी में कोपेन हेगन में हुआ था। नेक्स्ट है, यूनिमार्क का विकास कब हुआ? तो यह 1969 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है,
मार्क परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? मार्क परियोजना का प्रारंभ 1964 ईस्वी में हुआ है। यह यूजीसी नेट, केवीएस और एनवीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कई बार यह पूछा हुआ है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी है। मार्क परियोजना का प्रारंभ किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? तो यह गिलवॉन्ट किंग के द्वारा मार्क परियोजना का प्रारंभ जो है गिलवॉन्ट किंग के सिफारिश पर हुआ था। तो आज का यह 40 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही उपयोगी हुई होगी। मुझे आशा है आप इस 40 क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझे हैं, किसी क्वेश्चन में समझने में दिक्कत है, तो अपनी राय जो है, अपनी कमेंट जो है, कमेंट में अवश्य लिखें। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या आप किस प्रकार से पढ़ाई चाहते हैं, मैं आपको किस प्रकार से हेल्प कर सकता हूँ, कृपया आप कमेंट में अवश्य लिखें। मुझे आपके कमेंट का इंतजार है। और आप यदि मेरे इस चैनल पर नए विजिटर्स हैं, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें। कृपया लाइक अवश्य किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।